मैं आ गया नीम बनानी पार्क में, तो सुबह का वक्त है 6:30 अराउंड। अब मैं मॉर्निंग वॉक मैं करूँगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरा वॉकिंग ट्रैक। देखिए कितना बढ़िया लॉन वॉकिंग ट्रैक है। मैं आ गया नीम बनानी पार्क में, तो सुबह का वक्त है 6:30 अराउंड। अब मैं मॉर्निंग वॉक मैं करूँगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरा वॉकिंग ट्रैक। देखिए कितना बढ़िया लॉन वॉकिंग ट्रैक है। ये बाई साइड में है रॉक गार्डन, लाइट की थोड़ी कमी है लेकिन बहुत बढ़िया से बना के रखा है टेबल ट्रैक। अगर नंगे पाओ आप टेबल के ऊपर भी टहल सकते हैं, कुछ लोग टेबल के ऊपर चलते हैं, कुछ लोग घास के ऊपर भी चलते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद बाई साइड में फिर रेन पार्क है, देख सकते हैं थोड़ा लाइट की थोड़ी कमी है। तो रेन पार्क बना के रखा है साइड से, बहुत बढ़िया बीच टाइप, स्टिल इन द मेकिंग रेन पार्क। ये जो बाई साइड में है ये है एम्फी थिएटर, ये कितना बढ़िया एम्फी थिएटर बना के रखा है, डेक टाइप डेक, साथ में ये डेक है, ये सिरेमिक डेक उसके साथ लगा हुआ है टिम्बर डेक। ये तालाब के आखिर किनारे से टिम्बर डेक, देखिए स्टेनलेस स्टील रेलिंग है, ये कोई खतरा भी नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं देख सकते हैं। पुल में फुहारा की अरेंजमेंट है, रात को फुहारा चलता है कलर्ड फुहारा, और लाइट जितनी भी है सब सोलर लाइट देख सकते हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है रात को भी इवनिंग में। इवनिंग में 7:30 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, नीम बनानी पार्क। नीम बनानी इसलिए क्योंकि इसमें बेशुमार नीम के पौधे लगे हुए हैं, तो नीम का की हवा आपको मालूम है सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये 500 मीटर इसका पूरा वॉकिंग ट्रैक है, चौड़ाई में करीब 12 फीट है, तो इसके अगर 10 चक्कर लगाते हैं तो 5 किलोमीटर हो जाता है। ये है नीम बनानी पार्क। इस पुल में बहुत सी मछलियां हैं, तो इनको लोग बाग आते हैं यहाँ पे मछलियों को खिलाने, रोटी ब्रेड या आटा या कुछ भी दे दो, ये मछलियां आती है, मछलियों की झुंड है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। नीम बनानी कम्युनिटी तरफ एक्टिविटी पार्क वहां लेके चलते एक्टिविटी पार्क। सड़क के उस पार
ये है एक्टिविटी पार्क, इसमें भी ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक 500 मीटर का ट्रैक है और विड्थ इसकी थोड़ी कम है, चौड़ाई में करीब 7 फीट। ये दाई तरफ देखिए ये है जिम है और बैठने के लिए बहुत बढ़िया बेंच है और बच्चों के लिए भी खेलने के लिए वॉकिंग ट्रैक, देखिए कितना बढ़िया वॉकिंग ट्रैक है। ये पुल भी है, पानी से फुहारा है, रात को फुहारा चलता है, कलर्ड फुहारा। ये लाइट सब सोलर लाइट है। ऊपर एक डेक भी बना हुआ है, आप पानी देख सकते हैं अंदर, पानी के ऊपर डेक बना हुआ है। बीच बीच में ये बच्चों के खेलने की जगह, सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए जगह और मीटिंग प्लेस भी, लैंडस्केपिंग भी है। एक जगह में दिखाऊंगा मैं एक लैंडस्केपिंग। और ये देखिए खेल, बच्चे खेलते हैं काफी सारे, ये बैठ के मीटिंग है। बीच में मेज है, उसके चारों तरफ बैठने की बेंच है, आप मीटिंग छोटी मोटी मीटिंग भी कर सकते हैं। इस पार्क के बीचों बीच एक बढ़िया फुटबॉल ग्राउंड भी है, फुल्ली घास, बढ़िया घास है और ये पार्क 8 बजे तक खुला रहता है और लाइटिंग का भी कभी अरेंजमेंट है, यानी हाई नाइट फुटबॉल रात 8 बजे तक लड़के खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और ये वॉकिंग ट्रैक, बीच बीच में बेंच है बैठने के लिए, थक गए तो बैठ सकते हैं। ये पार्क भी 500 मीटर इसका है, टोटल 500 मीटर का ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक। इसका भी 5 चक्कर लगाओ तो 5 किलोमीटर, जो सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें अगर आप टहलते हैं तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए।